पत्नी ने लगाया बीडीसी सदस्य को बंधक बनाने का आरोप। पत्नी पहुंची सपा की शरण में। आप समाजवादी पार्टी ने बीडीसी मेंबर को तलाश करने की मांग की। आपको बताते चले, बरेली थाना देवरनिया के ग्राम भुड़वा के रहने वाले शांति देवी ने एसएसपी से अपनी पत्नी पति तोता राम को, जो बीडीसी मेंबर भी है, तलाश करने की मांग की है। महिला का आरोप है कि 13 जून को अमित भानु प्रताप निवासी भुड़वा देवरनिया व चार अन्य अज्ञात लोग शराब पीने के बहाने मोटरसाइकिल पर बंधक बनाकर ले गए। तब से अभी तक तोताराम का कुछ अता पता नहीं है। शांति देवी ने इसकी शिकायत थाना देवरनिया को भी। दरोगा देवेंद्र सिंह ने कहा कि उसके पति जहाँ भी सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं तक उसके पति घर नहीं आए। शांति देवी ने एसएसपी से अपने पति को तलाश करने की मांग की है। उसको शक है कि पुलिस की सह पर उसके पति को गायब किया गया है। इसीलिए महिला शांति देवी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की शरण में पहुंची और पूरी बात बताई कि मेरे पति को बंधक बनाकर ले गए हैं। पुलिस सही बता नहीं रही है। पुलिस कह रही है तुम्हारे पति तोताराम जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं, आप चिंता ना करें। सपा के जिला अध्यक्ष ने कहा ये गलत है, बीडीसी मेंबरों को ये पुलिस के सहयोग से बंधक बनाया जा रहा है, ये गलत है। आपके पास कोई सूचना नहीं आई, कहाँ ले गए कुछ? अरे जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या प्रयोजन है, किसके प्रेस वार्ता बुलाई है? देखिए, हम सबको पता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव चल रहे हैं और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। आप अभी हमारे देवरनिया थाने के भुड़वा ग्राम निवासी हैं, इनके पति ये शांति देवी जी हैं, आपके पति तोताराम जी वहाँ से अपने ग्राम से बीडीसी मेंबर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनको जबरन कुछ लोग आए और आने के बाद उनको मोटरसाइकिल पर बिठाया। इन लोगों ने विरोध करा, उन्होंने विरोध करा, लेकिन उनको जबरन बाइक पे बिठा के लेके गए कि बोले हम शाम को छोड़ जाएंगे, और ये दो दिन की घटना हो गई और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। जिसमें से इनका कहना है कि एक किसी एसआई दरोगा देवेंद्र सिंह जी, जिनका नाम मेंशन करा हुआ है इन्होंने, जो एसएसपी साहब को जो एप्लीकेशन दी है उसमें, कि उन्होंने ये कहा कि आपका पति जहाँ है सुरक्षित है, आपके पास आ जाएगा। आपकी बात हो रही है तो वो उनका ये कहना है कि मुझे जबरदस्ती यहाँ पे जबरन रूप से रोक के रखा गया है, इस तरीके से प्रताड़नाएं बीडीसी मेंबरों के साथ हो रही है और अन्य भी जगह बीडीसी मेंबरों पर जबरन प्रशासन द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है उनके पक्ष में वोट करने के लिए। तो क्या इनके पति से इनकी बात भी हो रही है? आपके इनके पति से बात नहीं हुई है इनकी? बाइक पे बिठा के ले गए, दो जने थे बीच में बिठा के उनको जबरदस्ती ले गए और वो उन्होंने रोकने की कोशिश भी करी लेकिन उन्होंने सुनी नहीं उन्होंने, और उसके बाद कहीं से उनको प्रलोभन भी दिया गया इनके परिवार के लिए कि हम आपको 2,00,000 रुपए का प्रलोभन देते हैं। इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, हमारे पति हमारे घर पे पहुंचने चाहिए, हमें रुपए पैसा कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या देखिए क्षेत्र पंचायत सदस्य कोई भी हुआ, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। किसी के साथ भी अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है हर तरीके से। हम लोग अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य का मन है, जहां वो वोट देना चाहता है वहां वोट दे, लेकिन उसमें जबरन प्रेशर नहीं बनाया जाए, उसको दबाया नहीं जाए, उस पर ये इस तरीके से प्रेशर नहीं बनाया जाए कि आप किसी भी एक पार्टी के पक्ष में वोट करो। जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव है, उसे लेकर किस तरह से? जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी जो निर्दलीय साथी हैं, जो निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य जीत के आए हैं, उनके ऊपर भी प्रशासन द्वारा दबाव बना जा रहा है। उनको भी, उनसे आईडी मांगी जा रही है, उनके परिवार में सदस्य पूछे जा रहे हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में किसी पर मुकदमे हैं नहीं है, इस तरीके से उन पर मेंटली एक प्रेशर बनाने का काम प्रशासन कर रहा है। क्या सपा समर्थित जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके साथ भी ऐसा कुछ बर्ताव? सपा समर्थित सदस्यों के साथ कोई बर्ताव नहीं उनसे। हाँ, ये डाटा जरूर पूछा गया है उन लोगों से भी, लेकिन हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष में समाजवादी पार्टी बरेली जनपद से अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा अपने प्रमुख जिताने का काम करेंगे। लेकिन आज का महन जो एक मुद्दा है, जो सबसे अहम मुद्दा है, वो ये है कि किसी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य को किसी गैर कानूनी तरीके से या किसी भी तरीके से उस पर प्रेशर नहीं बनाया जाए, उस पर दबाव नहीं डाला जाए, वो अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है, जहां देना चाहे वोट वो वहां दे सकता है। हमारी प्रशासन से ये मांग है
कि इनके पति श्री तोताराम जी को जल्द से जल्द इनके घर पे भेजा जाए, इनके पास भेजा जाए, ताकि वो अपना स्वतंत्र रहे, ताकि इस परिवार में भी खुशहाली रहे।